नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वाबोला की अन्नपूर्णा हाउसिंग सोसाइटी में। वाबोला की सोसाइटी के सब मेंबर यहां पर है, हम उनसे मुलाकात करेंगे। उसके पहले इनकी क्या समस्या है, इस पर फोकस करना चाहूँगा। दरअसल आप देख सकते हैं सोसाइटी के इस परिसर में, यहाँ पर आपको सोसाइटी का गटर दिखाई दे रहा है, जो गटर फिलहाल इसका पानी पूरा सोसाइटी के परिसर में बाहर फैल रहा है। और इतना ही नहीं, ये पानी यहाँ से बाहर होते होते मेन रोड पर, वाबोला और बंगली रोड पर भी ये फैलता चला जा रहा है। अब ये सोसाइटी कई सालों पहले बनी है, 30-35 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, सोसाइटी है। और तब से पहले के ज़माने में पानी ड्रेनेज की इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि इतने कंस्ट्रक्शंस नहीं थे और इनका खुद इनकी जो गटर है उसका पानी उस तरफ पीछे की तरफ जाता था। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि वसई विरार महानगर पालिका में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। बस आपको अपने बिल्डिंग का गटर निकालना है, वो कहाँ भी जाए पानी, ये सिस्टम है। जबकि एक मैन होल होता है और वो पानी शहर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये पूरे ही वसई विरार में ये सिस्टम ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं अभी यहाँ की, तो अभी इनको क्या समस्या हुई कि जहाँ बाहर इनका पानी पहले से जाता था, अब वहाँ बाहर वहाँ जो डेवलपर है वो डेवलप करने के लिए अपनी ज़मीन को आगे आए हैं, तो उन्होंने वहाँ से रास्ता रोक दिया है और इनको बोला है कि आप यहाँ से हमारा आपका जो गटर का पानी है वो नहीं जा सकता है, तो वहाँ बाहर इस समय वो रोक दिया गया है। तो ये पानी पूरा इस तरह से यहाँ पर आया। अब इसमें न इनकी गलती है, ये 33 साल पहले की बनी हुई, जैसे मैंने कहा। तो कई मेंबर तो ऐसे होंगे जो शायद नई पीढ़ी के उनको मालूम भी नहीं होगा कि क्या परिस्थिति थी तब। दूसरा, वही न उनकी गलती है जिन्होंने अभी बंद किया, लेकिन महानगर पालिका का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से एक तरफ गंदगी फैल रही है, दूसरी तरफ मच्छर पसर रहे हैं और तीसरी तरफ स्वास्थ्य उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। वसई विरार महानगर पालिका में इस समय काफ़ी सुशोभीकरण के काम हम देख सकते हैं, जगह जगह पर चौराहों पर सुशोभीकरण शुरू है, लेकिन आवश्यक काम गटर का निर्माण वसई विरार महानगर पालिका नहीं कर पा रही है। इसी मुद्दे पर इन्होंने कुछ पत्रवार किए थे, ये बिल्डिंग सोसाइटी के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं राजेश खोबरागड़े, एडवोकेट। क्या समस्या है आपको बताएं? देखिए कि जैसे कि आपने अभी कहा और दिखाया कि ये हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसका जो पानी, जो एक्सेस पानी था, वो गटर महानगर पालिका या ग्राम पंचायत का उस वक्त नहीं होने के कारण इस बाजू में जाता था। तो इन्होंने जैसे आपने बोला वो बंद कर दिया उन्होंने, ये बात सही है, लेकिन अब महानगर पालिका होने के बावजूद और यहाँ से कोई गटर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे नए नए बिल्डिंगें बन रही है, फ्लैट्स हो रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन पानी के लिए महानगर पालिका ने आज तक कुछ नहीं किया है। हमारे एक सहकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ के माजी महापौर या महापौर आए थे और उन्होंने नरियल फोड़ा था कि यहाँ चलो यहाँ से सिस्टम बन रही है। तो ये दिखावा होता है, छलावा होता है लोगों के साथ, नागरिकों के साथ। वो चुनाव आने के बाद में आते हैं और नरियल फोड़ देते हैं, लोगों को लगता है काम होगा काम होगा, काम कुछ नहीं होता है। अभी नगर पालिका प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन के पास तो पैसा आ ही रहा है, उन्होंने इस समस्या का हल करना चाहिए, ऐसा मैं रखें। आप फिर से आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो फॉलो अप किया जाना चाहिए वो आपकी तरफ से हुआ है क्या? बिल्कुल, मैं इस बात को तो नहीं मानता हूँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि फॉलो अप क्यों करें। जब हमने लिख के दे दिया है तो उस पर कार्रवाई करना आपका काम है, हमने आपके कोर्ट में बॉल डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरे कुछ सहकारी जाके तीन तीन बार जाके प्रशासन से ये गुहार लगा के आए हैं कि हमारे अर्जी पे क्या हुआ। आज ये 14/7/22 को हमने अर्जी दी है और आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने यहाँ ना आके देखा है, ना हमारे समस्या पे कोई ध्यान दिया है। क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है कि हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस इलाके में जितने भी बिल्डिंग है और जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए, और महानगर पालिका है तो उनके लिए तो ड्रेनेज सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि यह गंदगी जाएगी कहाँ, ये रास्ते पे आएगी तो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, कितने मच्छर फैलेंगे, कितनी बाकी की बातें आएंगी, इसके बारे में प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, हमारे आने जाने के रास्ते पे पानी है। बात करते हैं और भी मेंबर से। सर, आपका नाम? रामचंद्र कोटियान। आपने क्या फॉलो अप किया, कितनी बार आप महानगर पालिका में गए? हम लोग 2-3 बार गए थे। तो बोले कि अब इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे,
लेकिन वो हम लोग वापस ही आ रहे थे, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिली उसके बारे में। कभी कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। आपने कहाँ पे अप्रोच किया था? प्रभाग समिति? नहीं, वहाँ पे नौगर वसाई प्रभाग समिति वहाँ किए थे। और उन लोग ने एक्चुअली लास्ट तीन बरस से पहले यहाँ पे आए थे कि भूमि पूजन किया, नारियल फोड़े हैं। जब हमने पूछा कि किसके लिए भाई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ड्रेनेज का काम चालू करने वाला है। तो उसके बाद अभी 3 बरस हो गए, कोई ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? साबिरा शेख। आपके घर का पानी इस तरह से भी आपकी बिल्डिंग के अंदर है, आपको किस तरह की समस्या हो? अरे क्या बोलेंगे सर, पानी या इतना जमा है, पूरा मच्छर बिच्छर पूरा बास आता है। हमारे बच्चे 2 बार यहाँ पे गिर गए पानी में, 2 बार गिर गए, 2 बार उठा के ले गए। ऐसी गंदगी रहेगी तो बताओ कैसा चलेगा। तो ये महानगर पालिका को जो समझना मांगता ना थोड़ा बहुत भी, ये ऐसी गंदगी रहती है। मैडम आपका नाम? श्रद्धा खुबरागड़ी। समस्या ये है कि ये पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था हर जगह पे होनी चाहिए, नहीं तो मलेरिया डेंगू जैसे आम बीमारियों का फैलाव हो सकता है। इसलिए सुझाव हमारा यही है कि हमें ड्रेनेज की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। आपका नाम? मेरा नाम अनुपमा नायर। इसलिए बड़ा एक प्रॉब्लम है, बच्चे लोग इसमें आने जाने का टाइम चल के जाते हैं तो बीमारी हो सकते हैं उससे, जहाँ बिल्डिंग में रहते हैं तो भी स्मेल भी ज़्यादा आता है। एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम मेन है इधर, वो सिस्टम अपने लिए नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके तो उतना अच्छा था। आपका? अनीता पोरिया। और ये हमेशा परेशानी है सबको, आने जाने में तो तकलीफ है, तो जल्दी करना चाहिए उसको। यहाँ हमने अभी बात की बिल्डिंग के चेयरमैन, उन्होंने पूरी परिस्थिति बताई, पत्र दिया गया, पत्र के बाद में वर्बली 3-4 बार जाके बोला गया, लेकिन महानगर पालिका प्रभाग समिति आई के किसी अधिकारी कर्मचारी ने यहाँ पर स्थल पहाड़ी तक नहीं की। तो मेरा सवाल वही है कि एक तरफ महानगर पालिका करोड़ों रुपये का खर्चा करती है ये दिखावा करने के लिए कि हमारा शहर स्वच्छ है और सुंदर है, स्वच्छ और सुंदर अपनी जगह पर है, सुंदरता अपनी जगह पर है, लेकिन पहले स्वच्छता है, स्वच्छता रहेगी तब हेल्थ बराबर रह पाएगी, और जब आपके हेल्थ बराबर रह पाएगी तभी आपका शहर जो है वो मजबूत हो पाएगा। तो अब देखा जाएगा कि वसई विहार महानगर पालिका कब इन बिल्डिंग वासियों की मांग को सुनती है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।